हेलो दोस्तों, मैं फाजिल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होटल लाइन के अंदर जब भी लाइक स्टूडेंट जो है आजकल की जनरेशन है, डिप्लोमा करने के बाद, डिग्री करने के बाद जब उनका स्टार्टिंग करियर होता है तो होटल लाइन क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज लाइफ जो होती है हमारी, तो उसमें हमें जो सपने दिखाए जाते हैं कॉलेज टाइम पे, वो अलग लेवल के दिखाए जाते हैं कि आप 5 स्टार में जाओगे, आपको ऐसा होगा, ऐसे आपके साथ डील होगी, आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, आप इतना पैसा कमाएंगे, आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, आपकी ड्यूटी टाइमिंग का एक सिस्टम होता है, सारी चीज़ें जो हैं ये कॉलेज में हमें दिखाई जाती हैं। अब होता क्या है कि जब रियल लाइफ में हम आते हैं, रियल लाइफ कहने का सेंस है कि वेन एवर वी स्टार्ट लाइक इन अ होटल लाइन, लाइक हमारा जो प्रैक्टिकली वर्क है वो जब हम एक होटल में स्टार्ट करते हैं, एक रिजॉर्ट में स्टार्ट करते हैं, एक 5 स्टार रैंक के होटल में जब हम एंट्री करते हैं, एंड देन लाइक वी गेट लाइक अवर वर्क, जब स्टार्टिंग का हमारा काम होता है, जब हमें मिलता है वहाँ पे कि ना हमें इज्जत मिलती है, ना हमें पैसा मिलता है, और ड्यूटी टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। ये चीज़ें IT और JT टाइम में आपको मिलेंगी। अगर आप होटल लाइन से बिलोंग्स करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, अगर या फिर होटल लाइन में आप अगर पुराने हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो 70-80% जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो मैं तो यही कहूँगा कि 100% के माइंड में उस टाइम पे ये आता है कि हम कहाँ फंस गए। अब कुछ की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ के फैमिली रीजंस हो सकते हैं, कुछ का लाइक विजन होता है माइंड, कोई बात नहीं होटल लाइन में हमने करना ही है, और कुछ का फैमिली बैकग्राउंड इतना लाइक हाई फाई नहीं होता है या फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनकी मजबूरी होती है कि होटल लाइन में काम अब करना पड़ेगा या आप इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट, जो भी लाइक गर्ल्स होते हैं, जो भी बॉयज़ होते हैं, जो लाइक थोड़ी सी आज़ादी वाली नौकरी चाहते हैं या फैमिली से उन्हें सपोर्ट होती है, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जॉब छोड़ देना, इंडस्ट्री छोड़ देना, क्योंकि जो कॉलेज टाइम पे बताया था वो तो कुछ है ही नहीं। आपने अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग करनी है, होटल लाइन में स्टार्टिंग करनी है, तो आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए पहले ही, प्रैक्टिकली इसमें काम क्या है। स्टार्टिंग कर लेते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे काम क्या करना है, मेरा विज़न क्या है, मैंने सर्विस में काम करना है, मैंने हाउसकीपिंग में काम करना है, मैंने किचन में काम करना है, या मैंने फ्रंट ऑफिस पे काम करना है, या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है, या मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है। इस तरीके का किसी के माइंड में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता उस टाइम पे होता नहीं है। तो ये इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है तो फिर लास्ट ऑप्शन उनके पास होता है जॉब छोड़ देना, इंडस्ट्री छोड़ देना, भाग जाना, जबकि ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री को टाइम देंगे एंड आपका जो स्टार्टिंग पीरियड है 1-2 साल का आप निकालेंगे, आप लर्निंग इंक्रीज करेंगे, तो यू कैन गेट अ पोजीशन, एक मतलब एक आपका लेवल आप अचीव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वर्क इन अ सिस्टम, एक सिस्टम से एक तरीके से आप काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस लाइन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है, इट टोटली डिपेंड अप टू यू, लाइक कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी जल्दी चीज़ें सीख रहे हैं, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आपकी एजुकेशन का रोल क्या है, इट टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 50,000 पे जाके लाइक एंड ऑफ हो जाएगा आपका, या 1,00,000 पे जाके एंड ऑफ हो जाएगा आपका। इंडस्ट्री के अंदर ऐसे भी बंदे हैं जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद 5-5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, 4-4 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि होटल लाइन छोड़ना या किसी भी कंपनी में आपने स्टार्टिंग करके जॉब छोड़ देना, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे काम कीजिए, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, कहीं पे भी स्टार्टिंग आप करोगे आपकी, देखो मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में ना आपको इज्जत मिलेगी, ना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ना ज़्यादा आपकी ड्यूटी टाइमिंग का कोई शेड्यूल होगा, और ना आपको VIP कोई खाना मिलेगा सर। दिस ऑल द थिंग्स यू विल हैव टू फेस लाइक इन स्टार्टिंग, अगर होटल लाइन में आप आओगे तो। लेकिन जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा, आप सिस्टम को समझ जाओगे, क्या SOPs फॉलो होती हैं होटल लाइन के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आपका बढ़ जाएगा, देन यू कैन गेट ऑल द थिंग। धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलेगा, सारा फ़ायदा आप उठा सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू गिव दैट टाइम, बिना टाइम के एकदम कुछ नहीं हो सकता। तो सर ये चीज़ आप देखिए, कंपनी छोड़ना, होटल लाइन छोड़ के भाग जाना, अपने कैरियर का अलग फील्ड में ले जाना, फिर वहाँ पे 5 साल लगाओ, उसकी पढ़ाई करो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कैरियर नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में आपने कामयाबी हासिल करनी है, ग्रोथ करनी है, तो आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले उसके बारे में डेप्थ में जानो, ऐसे एम्प्लॉयज से मिलो जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, वो आपको डिटेल में अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिकॉज दे ऑल फेसेस देयर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, इन देयर एक्सपीरियंस। सो होप यू गाइज कि ये वीडियो से कहीं ना कहीं, मतलब जो स्टार्टिंग होटल लाइन में आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी एक डिसीजन लेने में,
और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।